वेलकम क्लास टेंथ, शुरू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सोलेनोइड। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, पर यह बताना भूल गया था मैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो आप अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन ए करंट कैरिंग वायर या ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन डिफ्लेक्ट द नीडल ऑफ कंपास प्लेस्ड नियर इट। क्या होता है ये कि जब हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं तो वो अपने पास रखी हुई किसी कंपास को डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये हमने पहले पहले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो क्या होता है कि व्हेनेवर वी पास करंट थ्रू ए कंडक्टर, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें एक बैटरी लगी है, ये एक कंडक्टर है, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं ये जो हमारी कंपास की नीडल है ये डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट का मीन अपनी पोजिशन को चेंज करती है, ये हिलती है, ये या तो इस तरफ हिलेगी या ये अपनी पोजीशन से इस तरफ हिलेगी। तो ये डिफ्लेक्शन क्या बताती है कि करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हमने प्रीवियस टॉपिक में करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाया था कि इसके राउंड सर्कल्स बनते हैं और उन सर्कल्स की जो अमाउंट है, जो सर्कल्स है वो क्लोज होते हैं कंडक्टर के पास, लेकिन वो दूर हो जाते हैं अगर हम कंडक्टर से दूर जाएं। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होता है नियर द कंडक्टर। और हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने का रूल भी पढ़ लिया था। तो सबसे पहला रूल हमने जो इस टॉपिक में पढ़ा था वो था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किस काम आता है? राइट हैंड थंब रूल काम आता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटिंग कॉपर वायर्स बाउंडेड ओवर ए मटेरियल इन हेलिकल शेप। जैसा कि यहां पे मैंने शेप बनाई हुई है, अगर ये हमारा कोई सरफेस है इसके ऊपर हम कॉपर वायर्स को ऐसे लपेट दें हेलिकल शेप में, इस टाइप से हम अगर कॉपर वायर्स को लपेट दें हेलिकल शेप में तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एक सोलेनोइड बन जाएगा। उसकी शेप है वो इस तरह की होती है। तो जिस मटेरियल पर इसको लपेटा जाता है, मान लो ये मैंने पेन यूज किया है, इसके ऊपर कॉपर वायर्स को मैंने ऐसे ऐसे लपेट दिया, तो ये वाला मार्कर क्या कहलाता है? कोर ऑफ सोलेनोइड। क्या कहलाता है? कोर ऑफ सोलेनोइड। द मटेरियल ऑन विच कॉपर वायर्स बाउंडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड इज नोन एज कोर ऑफ द सोलेनोइड। और मोस्टली जो सोलेनोइड की कोर है वो सॉफ्ट आयरन की होती है, या स्टील की भी हम यूज करते हैं लेकिन मोस्टली सॉफ्ट आयरन की यूज करते हैं। तो सोलेनोइड है वो इस टाइप का होता है, हेलिकल शेप में होता है। अगर हम इसके अंदर मान लो ये सॉफ्ट आयरन की रोड हमने डाल दी तो इससे इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलेनोइड की। तो हमने क्या किया, इसके अराउंड हमने आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी और इसमें जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि आयरन फिलिंग्स हैं वो एक प्री डिफाइंड शेप बना लेती है। कैसी शेप बना लेती है? कोई भी टाइप की प्री डिफाइंड अरेंजमेंट या पैटर्न बनाती है और उसी पैटर्न को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलेनोइड। और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलेनोइड है वो एज ए बार मैग्नेट होता है, जैसे कि हमने पहले पहले टॉपिक में किया था कि नॉर्थ से जनरेट होगी, साउथ से साउथ की तरफ जाएगी। तो किसी सोलेनोइड का एक एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एंड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो लाइक बार मैग्नेट होगा इस टाइप का, जैसा कि हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था। लेकिन इसकी एक खासियत होगी, एक पार्टिकुलर खासियत क्या है कि इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड मेक्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी और वो एक कैसा फील्ड बनाएगी?
वो एक यूनिफॉर्म फील्ड बनाएगी, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं हम, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से। तो ये एक पॉइंट डिफरेंट है, इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो पैरेलल होगी, यानी इनसाइड का सोलेनोइड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, बाकी सभी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, बार मैग्नेट जैसी होती है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो नंबर वन है करंट, कौन अफेक्ट करता है, करंट। अगर हम सोलेनोइड में करंट को इंक्रीज कर देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर टू, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न्स हम सॉफ्ट आयरन पे बाउंड करेंगे या जितनी ज्यादा टर्न्स हम सोलेनोइड की बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर थ्री, बाय रिड्यूसिंग गैप बिटवीन द एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स है वो इतनी गैप पर है, अगर हम इस सोलेनोइड को इस तरह से कर दें, ये सोलेनोइड था इसको हमने इस तरह से कर दिया, तो ये गैप है वो इतना रह गया, तो इसके एंड पॉइंट्स के गैप को भी रिड्यूस करके, पहले ये सोलेनोइड इतनी लेंथ का था, अब हमने इस सोलेनोइड को ऐसे थोड़ा सा बाउंड कर दिया, इसके बीच के गैप को कम कर दिया, तो इसके एंड पॉइंट्स के बीच का गैप कम हो जाएगा, तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड नंबर फोर इज बाय इंसर्टिंग कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, अगर हम सोलेनोइड को सॉफ्ट आयरन कोर पे बाउंड करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, बाय वी यूज ए सॉफ्ट आयरन कोर फॉर द सोलेनोइड, तो इसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि सॉफ्ट आयरन है वो हाईली मैग्नेटाइज्ड होता है, हाईली मैग्नेटाइज्ड यानी वो मैग्नेटिक फील्ड को जल्दी से एक्वायर कर लेता है और वो हाईली मैग्नेटाइज्ड होता है। और नंबर टू, अगर हम उसे करंट को ऑफ कर देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज्ड भी फास्ट होता है, क्या होता है वो फास्ट डीमैग्नेटाइज्ड, यानी एज सून एज अगर हम करंट को ऑफ कर दें तो सोलेनोइड का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाता है, उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता। यानी एक सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है, जब उसमें से करंट पास होता है, कब प्रोड्यूस करता है, करंट पास होता है, और वो किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। इसीलिए एक सोलेनोइड जिसके अंदर आयरन कोर डाल दी जाती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जो करंट के मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। और एक्चुअली में एक सोलेनोइड विद सॉफ्ट आयरन कोर, सोलेनोइड विद सॉफ्ट आयरन कोर यानी एक सोलेनोइड जिसकी कोर सॉफ्ट आयरन की बनी है वो बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे उसमें से करंट पास करते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही करंट को ऑफ कर देते हैं वो नॉर्मल मेटेरियल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज होता है, नंबर वन हाईली मैग्नेटाइज्ड होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड को जल्दी एक्वायर करता है, हाईली मैग्नेटाइज्ड, और दूसरा होता है फास्ट डीमैग्नेटाइज्ड, अगर हम करंट को ऑफ कर देंगे तो इसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। इसीलिए सोलेनोइड की कोर है वो किसकी बनाई जाती है, आयरन की बनाई जाती है बेटा, और अगर हम स्टील की कोर लगा देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि नॉर्मल हमारे जो मैग्नेट होते हैं बार मैग्नेट, वो किस टाइप का मैग्नेट होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। थैंक यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डू केयरफुली, हैव ए गुड डे।